स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का फोर पार्ट पढ़ेंगे, फोर लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है संगति का फल। क्या होता है संगति? संगति मीन्स होता है किसी का साथ। जब किसी का साथ अच्छा होता है तो हमें अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं और हम भी अच्छा अच्छा बन जाते हैं, यानी कि अच्छा काम करने लग जाते हैं। अच्छी सीख मिलती है हमें, अच्छी सीख से हम अच्छा अच्छा काम करते हैं और अच्छे अच्छे बन जाते हैं। उसी पर आधारित ये हमें एक कविता दी गई है हमारे पाठ में, जिसका नाम है संगति का फल, या किसी का जो साथ है उससे क्या हमें परिणाम मिलता है, उससे हमें क्या सीख मिलती है। इस कविता के जो राइटर हैं, जो कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। वो क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, आइए हम पढ़ते हैं। था गुलाब का पेड़ कहीं पर, था गुलाब का पेड़ कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। कवि क्या कहना चाहता है कि कहीं पर किसी जगह पर गुलाब का पेड़ था, फूल खिले थे उसमें सुंदर। उसमें क्या खिले हुए थे? गुलाब के सुंदर सुंदर फूल खिले थे। लड़का एक वहाँ पर आकर सूखा ढेला एक उठाकर, ढेला क्या होता है? ढेला होता है मिट्टी या पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा। कि एक लड़का उस पेड़ के पास आया जहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, वहाँ पास में ही एक मिट्टी या पत्थर का एक टुकड़ा पड़ा था। उसने उस पत्थर को उठाया, जब उसको सूंघा, जब उसकी गंध ली, तो उसको कैसा महसूस हुआ? ऐसे लग रहा था कि ताज़ा फूल खिला हुआ है। महक रहा था ढेला ऐसा, ताज़ा फूल महकता जैसा, कि वह पत्थर जो पत्थर का जो टुकड़ा था वो ऐसा महक रहा था कि जैसे लग रहा हो मानो ताज़ा फूल महक रहा हो। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कवि का, कि अच्छी संगति में रहोगे, तुम भी अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे अच्छे बनोगे, तुम भी अपनी खुशबू से सारा जीवन, सारी दुनिया, सारा जगत महका दोगे। वैसे ही अच्छे अच्छे काम करने से तुम अपना नाम करोगे। कहते हैं ना कि अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संगति के कारण ही पहचाना जाता है, वही उसकी क्या होती है? पहचान होती है। अब नेक्स्ट क्या है? फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। कभी क्या कह रहा है कि मानो ऐसे लग रहा है उस जो पत्थर के टुकड़े पे फूल के पत्ते झड़ रहे होंगे, तभी ये इतना महक रहा है। तो कभी क्या कह रहे हैं कि वैसे ही किसी की सीख से, अच्छी संगति से, अच्छे साथ से हमें जो शिक्षा मिलती है, तो उससे हम अच्छी अच्छी बातें अपने ऊपर लेकर अच्छे अच्छे काम करते हैं। वैसे हम उस गुलाब के पौधे की तरह महकेंगे अच्छे अच्छे काम करके। इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। कवि कहता है कि जो उस ढेले पर खुशबू आ रही थी, किस कारण आई थी? क्योंकि संगति, फूल की संगति थी, फूल का साथ था उनके पास। ढेला तो नीचे गिरा हुआ था, लेकिन जो ढेले के ऊपर जो पत्ते गिर रहे थे गुलाब के, तो वह क्या हुआ? ढेला महकने लगा, पत्थर का जो टुकड़ा था वो महकने लगा। किस कारण? क्योंकि उसके पास किसकी संगति थी? फूल की संगति थी, फूल का साथ था। तो कवि कहना चाहता है कि तुम भी बुरी संगति में रहकर अच्छा होना असंभव है। अच्छी संगति पाकर कुपात्र भी क्या बन जाता है? सुपात्र बन जाता है। तो हमको क्या बनना चाहिए? हमें अच्छा बनना चाहिए, अच्छी संगति में रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपको ये कविता पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आपको भी अच्छा अच्छा बनना है, अच्छे अच्छे गुलाब के पौधे की तरह महकना है, यानी कि अच्छे अच्छे काम करने हैं, अपना नाम करना है। थैंक यू। हम पढ़ चुके हैं, आइए हम इसमें शब्द अर्थ करेंगे। खुशबू, खुशबू क्या होता है? सुगंध, खुश कर देने वाली गंध, अच्छी गंध या सुगंध। जैसे वो गुलाब के पौधे से आ रही थी खुशबू, जब वो ढेले पर पड़ी थी तो ढेला भी महकने लग गया था। ढेला, ढेला क्या होता है? मिट्टी या पत्थर का एक टुकड़ा। झड़ना, टूट कर गिरना, जो गुलाब के पत्ते झड़ कर या गिर कर टूट कर किस पे गिर रहे थे? ढेले पर गिर रहे थे। संगति, संगति क्या होता है? किसी का साथ, संग में रहना या साथ रहना। सूंघना, सूंघना क्या होता है?
नाक द्वारा गंध लेना, महकता, जो महक रहा हो, जिसमें से सुगंध आ रही हो या जिसमें से खुशबू आ रही हो। जब गुलाब के पौधे के पत्ते जो थे डेढ़े पर गिर रहे